न्यू दिल्ली, मेरे साथ में है कबीर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब सर, एक बार आप आए, आप गायब से हो गए हैं। पहले तो हम शिकायत करना चाहते हैं, फैंस आपके सोच रहे हैं कि कहाँ गायब है आजकल। नहीं, जैसे मैंने अभी कहा नीचे ओरिएंटेशन कोर्स में कि रोल्स जो थे वो नॉट इंटरेस्टिंग मी इनफ और दे वर नॉट टेस्टिंग व्हाट आई कुड डू फॉर माय सेल्फ। तो जब आई बिलीव एक्टिंग जो है वो बड़ा पैशनेट काम है, और अगर उसमें मज़ा आना बंद हो जाए तो फिर बेहतर यही होगा कि आप तब करो जब आपको वो पैशन वापस नज़र आए। तो अभी फ़िलहाल में आई हैव बीन देयर सम रोल्स जो आए हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। एक फिल्म जो मेरे को एक्टर नहीं मिल रहा था, मुझे खुद ही करना पड़ा, वी गॉन एंड वन एन अवार्ड फॉर इट इन कैनेडा एंड इन इंडिया फॉर डायरेक्शन एंड फॉर एक्टिंग। तो इट्स सेटिस्फाइंग। तो मेरा यही मानना है कि अगर मैं ऐसा कोई रोल आता जिससे मुझे मज़ा आया तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। कबीर, बहुत टाइम से अभी जो ईरा शुरू हुआ है इंडस्ट्री में वो ये रहा है कि नॉर्मली जो फ्रेंड्स होते हैं, हीरो के फ्रेंड्स हुए या जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी है। इज देयर योर फेवरेट कैरेक्टर, लाइक इज देयर एनी? देखो, इफ़ यू टॉक, मुझे चाहे उस समय मेरे दोस्त के लिए मैं कर रहा था वो रोल चमेली का, जहाँ मैंने एक ट्रांसवेस्टाइट का पार्ट किया था, आई इन्जॉयड इट, अलग था करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको मिलते हैं हु आर प्लेइंग फ्रेंड्स एंड अदर स्टफ, अदर कैरेक्टर्स, दे आर द एक्टर्स, तो ऑब्वियसली द फिल्म रेस्ट ऑन देम। एग्जैक्टली। एंड बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि वो हीरो या लीड जो होते हैं उनसे ज़्यादा प्यार भी पाते हैं ऑडियंस का, और नाम भी होता है उनका। तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्री। जो सिनेरियो चेंज हुआ है, अभी आपने पहले काम किया था उसके बाद में अभी जो काम कर रहे हैं, और कॉम्पिटिशन लेवल इतना बढ़ गया है, वट यू हैव टू से अबाउट द स्ट्रगलिंग एक्टर्स? एंड देखिए, क्या है ना कि आज के दिन में एक्टरों को प्रोफेशनली चार्ज होना पड़ेगा, दे हैव टू नो। ऐसा है नहीं कि आपको सेट पे जाके कोई सिखाए काम। तो कोर्सेज लाइक दिस, जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी दिल्ली में, तो उस समय ऐसा कोई था नहीं जो मुझे सिखा सके, जो मुझे बता सके। हम एक्टर बनना चाह रहे थे तो हम थिएटर कर लेते थे, पर बॉम्बे कैसा होगा, वहाँ पर जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय हमें कोई लीड करने वाला या गाइड करने वाला नहीं था। जब ऐसे कोई कोर्स शुरू हो जाते हैं, हाँ NSD था वहाँ पर, बट उस समय जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट था। तो आई सी अ चेंज, बट टुडे टू बी एन एक्टर एंड टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर, आपको एक्टर मिलेंगे जो आपको एक साल के लिए आएंगे, एक शो आएगा या कुछ काम करके चले जाएंगे, एक फिल्म आई, बट अगर आप एक लंबी छाप छोड़ना चाहते हैं तो यू हैव टू बी प्रोफेशनली ट्रेंड फॉर इट। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कहा, मुझे बता रहे थे कि दे आर वॉन्टिंग टू कास्ट द एक्टर्स इन देयर शोज, इन देयर फिल्म, इन देयर प्रोडक्शन। तो और दिल्ली में बहुत टैलेंट है, आप दिल्ली से ही है, आप डायरेक्टर्स ले लो, आप एक्टर्स ले लो, आप कैमरामैन ले लो, सारे दिल्ली के हैं। एंड वो सारे जो एक्टर्स हैं, सारे टेक्नीशियंस जो हैं, उनके पास कोई फैमिली लीनिएज नहीं है, वो वहाँ गए और उन्होंने अपना एक नाम कमाया और एक फेम कमाया। आई थिंक उसकी वजह सिर्फ एक है कि दिल्ली वाले हम जो काम करते हैं वो पैशनेटली करते हैं, तो यहाँ से जो वहाँ तक भागता है वो सिर्फ इसलिए जाता है कि उनको लगता है कि यार हम कुछ कर सकते हैं। कई लोग फेल हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेस इज देयर इफ यू वांटेड टू वर्क हार्ड फॉर इट। ट्रू। ओके कबीर, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि वेब सीरीज़ के बारे में आपका क्या कहना है, बिकॉज आज के टाइम में टीवी शोज़ के बाद में वेब सीरीज़ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हमने सिर्फ इन्वेस्ट किया है वेब सीरीज़ में, और 1 साल में जब से हमारा चैनल शुरू हुआ है फ्रॉग्स ले रहे हैं, हमने कुछ 60 मिलियन व्यूज़ कर लिए हैं। वी हैड मैरिड वुमन डायरीज 1, मैरिड वुमन डायरीज 2, वी हैड वर्जिन वुमन डायरीज, नाउ वी कमिंग अप विद वात्सायन विच इज़ गोइंग टू रिलीज नेक्स्ट मंथ। द फर्स्ट 3 शोज़ हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, आर शॉर्ट फिल्म्स विद जिमी शेरगिल, माई सन आर्या, देन वी हैव डन अनदर शॉर्ट फिल्म विद रतन राजपूत एंड अभिषेक रावत। तो वी हैव इन्वेस्टेड इन इट बिकॉज वी सी दैट देयर इज़ अ बिग फ्यूचर इन इट, एंड इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग मीडियम विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम वॉट यू सी ऑन टेलीविजन। मैं ये कहूँगा कि टेलीविजन वालों को थोड़ा डर लगना चाहिए अभी, क्योंकि वी आर हियर एंड वी हैव अराइव्ड टू एंटरटेन एंड नॉट गिव यू द सेम स्टफ दैट यू बीन यूज टू सीइंग फॉर ईयर्स टुगेदर। तो वेब इज़ अ बिग चेंज। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली एक्चुअली आई एम फॉलोइंग सम वेब सीरीज एंड मैंने जो चेंजेस देखे हैं कि जो हमारे वेब सीरीज अभी तक नहीं बट अब आज जाके जरूर देखा मिलियन में ये नहीं है अभी तक बट आज हो जाएंगे ओके सर तो एक मैंने जो चीज़ फील किया वो ये था कि लीनियंसी बहुत ज़्यादा हो गई है वेब सीरीज़ में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टीवी या मूवीज़ में भी बिकॉज सेंसरशिप हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं देखो मेरा ये मानना है कि एक जब आपको एक इंडिपेंडेंस मिलती है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है आप शो बनाएंगे सिर्फ गाली गलौज करने के लिए तो आपको पहले दो एपिसोड में शायद आपको एक फॉलोइंग मिल जाएगी बट इट विल नॉट सस्टेन दैट्स वाई वी हैव मेड शोज विच जहाँ पर वी हैव नॉट ट्राई टू टिटिलेट वी हैव नॉट ट्राई टू गाली गलौज नहीं है बट वी स्टिल गेटिंग नंबर्स सो मैं कहता हूँ कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो और शोज ऐसे बनाएं जो लोग आके देखना चाहें तो देन इट विल वर्क लॉन्ग रन के लिए शॉर्ट रन के लिए आप हाँ गाली गलौज दो तीन बार गालियाँ दे दो इट्स नॉट माय एजेंडा ऑफ हाउ आई वांट टू डू वी कमिंग अप इन अनदर शो कॉल्ड सेट विद कबीरा वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल इन डिस्कशंस अबाउट प्रॉब्लम्स वीमेन आर फेसिंग विच विल बी ऑन एयर सून अगेन ऑन आर वेब चैनल इट्स कॉल्ड फ्रॉग्स ले रहे It's on YouTube. So we are picking up issues which common people face, women face. And we're trying to bring forth, and most of the viewership on our channel has been women. Because finally women are saying that, you know, there's a voice. Koi wo baat keh raha hai jo hum kehna chahte hain, magar hum keh nahi paate. That's why I think this is the future, but responsibility is very important. Aap sirf gaali galoch karke ya nudity dikha kar, aap audience ko nahi kheech sakte. Thank you so much, Kabir, talking to us, and we will surely watch Say It with Kabira. Thank you, and keep watching. Thank you.